फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल वाइट एक्स ग्रुप पर। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं हम आपके लिए। और देखिए, एक तरीके से कहूँगा फुल अपडेट तो नहीं है, लेकिन बहुत हद तक जो हमारी अपडेट है वो हमें मिल चुकी है। जैसा कल हमने आपके साथ शेयर करा था कि UPSC मीटिंग होनी है कमेटी की, जो एग्ज़ाम के बारे में भी डिस्कस करने वाली है, जो फ्यूचर एग्ज़ाम्स हैं जो पोस्टपोन हो गए हैं, और बाकी कोविड नॉर्म्स की सिचुएशन को देखते हुए कोविड गाइडलाइंस को कैसे फॉलो कराया जाए, तो वही सब बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वाइट एक्स ग्रुप। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कल मैंने आपसे कहा था कि यार देखिए, UPSC कमेटी की मीटिंग होनी है, और वो मीटिंग है 16 जून को, यानी कि आज वो होनी थी और वो कम्प्लीट हो गई है। अब जो थोड़ी सी वहाँ से अपडेट आ रही है, मैं इसे देखिए फुल अपडेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन पूरी जो अपडेट आ रही है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, जो पूरी अपडेट मुझ पर आई है, जो मैंने पता लगाने की कोशिश करी। देखिए, सबसे पहले कमेटी ने बैठा और कमेटी ने एक चीज़ जो वो पहले से देख रही थी वही चीज़ को देखा, रिन्यू करा कि लॉकडाउन किस किस स्टेट्स में बढ़ा दिया गया है और क्या क्या छूट दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम देखें महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में क्या है, 31 जुलाई तक लॉकडाउन कर दिया गया है। हालांकि कुछ छूटे हैं, लेकिन 31 जुलाई तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन है। ऐसे ही जैसे हम बात करें वेस्ट बंगाल में, वहाँ भी कुछ छूट है लेकिन 1 जुलाई तक लॉकडाउन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ आपसे केरला की, तो केरला में आज यानी 16 जून तक लॉकडाउन है, जो शायद आगे भी बढ़ सकता है। ऐसे ही मैं बात करूँ आपसे उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी 17 जून तक लॉकडाउन है। तो ऐसी ही सब चीज़ें देखिए, मैंने कुछ स्टेट्स लिए हैं, और भी स्टेट्स हैं जिनमें लॉकडाउन है। यहाँ इन स्टेट्स में भी देखिए, कॉलेज की कोई खुलने की परमिशन नहीं है, कोई स्कूल खुलने की परमिशन नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और कहीं कहीं जगह वो समर वैकेशन में बंद है ही, क्लासेस भी नहीं चल रही। तो ये सब देखा कमेटी ने। अब इससे उन्होंने देखी, कमेटी से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है सामने में, वो ही आपको सबसे पहले बता देता हूँ। कमेटी ने रिव्यू करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो रखी, जो वहाँ पर से सामने आ रही है, वो ये है कि अब जो हमें एटलीस्ट जो 15 डेज़ का जो नोटिस था, वो एटलीस्ट 30 डेज़ करने की सहमति बन चुकी है। यानी कम से कम 30 डेज़ पहले हमें एग्ज़ाम के लिए बताया जाएगा। तो 30 डेज़ पहले बताएगी, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आई, क्योंकि वहाँ कुछ ऑफिशियल्स के मन में ये था कि हम अगर 15 डेज़ पहले नोटिस देते हैं तो उससे एक मतलब 30 डेज़ पहले होना है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ से कि अब इतना आपको देखिए सिचुएशन, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी एक अपडेट हमारे आगे आ गई है, और भी बातें हुई होंगी, लेकिन जो पहला, जैसे मैंने आपको बताया पहला डिसीजन क्या था कि लॉकडाउन का स्टेटस लिया गया है, किस स्टेट्स में कब तक और कितना लॉकडाउन एक्सटेंड करा गया है, किन चीज़ों में रिलैक्सेशन दी गई है। दूसरा, कमेटी ने एटलीस्ट 30 डेज़ कराए, और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है 30 डेज़ एटलीस्ट कराए, यानी ये 40, 50, 60 डेज़ तक भी जा सकता है। हो सकता है एग्ज़ाम अगर सितंबर अक्टूबर में हो तो हमें जुलाई में बताया जाए, तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। अब जैसे मैं पिछली वीडियोज़ में भी अपनी कमेंट्स देख रहा था, तो कुछ स्टूडेंट्स को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे यार तुझे कुछ नहीं पता यार, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें UPSC की नहीं पता, UPSC की। देखिए, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर जब नोटिस आए या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए, अगर ये गलत हो, जब आप मेरी वीडियो में आकर मुझसे कमेंट में कहना कि सर ये आपने गलत बताया, कि भाई आपने गलत बताया था, लेकिन अभी तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, दो अपडेट मिली, दोनों शेयर करी। करने को तो मैं उल्टी सीधी कुछ भी हवाई कर लेता कि कमेटी ने ये डिसीजन कर लिया, जब एग्ज़ाम होगा भाई ये डेट आ गई, लेकिन मुझे करना नहीं है, क्योंकि मुझे केवल ट्रू इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। ट्रू इन्फॉर्मेशन क्या है, लॉकडाउन स्टेटस लिया गया है, और दूसरा एटलीस्ट 30 डेज़ उन्होंने ये देखा है रिन्यू, मतलब एटलीस्ट 30 डेज़ उन्होंने कराया रिन्यू तो नहीं, कि हमें वैसे एक रिन्यू पैटर्न भी कह सकते हैं कि एटलीस्ट 30 डेज़ पहले हम स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर कर देंगे के एग्ज़ाम होना है। क्योंकि 15 डेज़ में क्या है, स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे मान कर बैठ जाते हैं यार एग्ज़ाम अब कब होगा, कोई डेट्स नहीं है। तो एटलीस्ट 30 डेज़ का मतलब है 1.5 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, तो उसमें स्टूडेंट्स अपनी अगर प्रिपरेशन कर चुका है तो रिवीजन अच्छे से कर सके। ये सभी बातें वहाँ पर हो रही थी, ऑफिशियल्स ने यही सारी बातें वहाँ पर रखी और उसको माना भी गया।
तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अभी देखिए मैं कोशिश करूँगा कि अगर शायद और कुछ अपडेट मिल पाए तो मैं एक वीडियो और बनाऊँ उसके बारे में, लेकिन अभी तक हमारे आगे दो अपडेट आई हैं, दोनों में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या वहाँ पर बातें हुई और क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिली। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और देखिए जैसे मैंने आपसे कल वादा करा था कि मुझे बताइए आप करंट या लेबर लॉज में से क्या करें, तो सबने ज़्यादातर जितने भी कमेंट्स आए हम पर वो करंट अफेयर्स के आए हैं। तो हम करंट अफेयर्स का जो हमारा वीडियो है जो हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, पहले जनवरी से 2021 से और जून 2021 तक पहले वो स्टार्ट करेंगे, वो आपको कल मिल जाएगा टुमारो। और जो हमारा टाइमिंग रहेगा वो 5 से 6 के बीच में रहेगा, यही यूट्यूब पर 5 से 6 PM यूट्यूब पर मिलेगा आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे एक अच्छे लेवल का करंट अफेयर्स है। उसके साथ साथ ही स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस जो वहाँ से बन सकते हैं कि कोई कंट्री का नेम आ रहा है, किसी इंडिया के स्टेट का आ रहा है, कहीं का भी नेम आ रहा है, तो वहाँ से स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो सब भी हम इसमें शेयर करने वाले हैं। तो कल से जुड़ जाना बिल्कुल, 17th of June से हमारा ये करंट अफेयर्स का बैच स्टार्ट होगा, जो हम केवल 30 June तक ख़त्म कर देंगे। यानी 30 June तक हम 2021 की भी करंट अफेयर्स ख़त्म कर देंगे और 2020 की भी हम करंट अफेयर्स ख़त्म कर देंगे टिल 30 June। तो अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और देखिए नो अपडेट आ गई है, अपडेट और भी आएगी, हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हम अपडेट के लिए ही बैठे हैं। और देखिए मैं सीरियस एस्पेंट से ये बात कहना चाहूँगा, जो जिनको मस्ती मजाक करना है, जिनको कुछ परवाह नहीं है कि भाई तू गलत बात कर रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, हवाई कर रहा है, मुझे उनसे कुछ लेने देना ही नहीं है। मैंने उनसे साफ कह दिया सब्सक्राइब मत करिए, डिसलाइक करिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन जो सीरियस एस्पायरेंट हैं प्लीज़, मैं आपसे जैसे बार बार कहता हूँ, प्लीज़ करके इसलिए कहता हूँ, आपका ड्रीम जॉब प्रिपरेशन करते रहिए। हमारे इस करंट अफेयर से पढ़िए, हम लेबर लॉज का भी ला रहे हैं, बहुत जल्दी इंग्लिश वोकैब भी लाने वाले हैं, टीम जुड़ चुकी है दोबारा से, टेक्निकल फॉल्ट अब नहीं होने वाला है, तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए। और यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जो भी सीरियस एस्पायरेंट है हमारे चैनल से और जिसको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। तो अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो